नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में कोरोना के जो नए आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो काफ़ी डरावने हैं। कोरोना वैक्सीनेशन के बाद एक बार फिर से कोरोना के आंकड़े सामने आने लगे हैं। संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है और चौंकाने वाली बात ये है कि 3 दिनों के अंदर तिगुना हो गया है कोरोना का मामला बिहार में। आपको हम पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। पिछले 3 दिनों में राज्य में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े में 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। गत 22 मार्च को 90 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई थी। अगले दिन 23 मार्च को 111, फिर 24 मार्च को 170 और तीसरे दिन यानी कि 25 मार्च को 258 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई। कोरोना संक्रमितों की जांच को लेकर गुरुवार को सभी प्रमुख स्टेशनों, बस स्टैंड और हाट बाजारों में अभियान चलाया गया। कोरोना के लक्षण वाले व्यक्तियों की रैंडम कोरोना जांच यानी कि एंटीजन टेस्ट की गई और गंभीर लक्षण वाले मरीजों का आरटीपीसीआर जांच कराया गया। 24 घंटे में 52,784 सैंपल्स की जांच की गई है। अब तक पटना में सर्वाधिक 54 नए संक्रमित मिले और अन्य संक्रमितों की पहचान 38 में से 33 जिलों में से की गई। राज्य में कोरोना के 258 नए संक्रमित मरीजों की पहचान के बाद कोरोना के वर्तमान में 924 सक्रिय यानी कि एक्टिव पॉजिटिव मरीज हैं। राज्य में संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर 99.06% है। बात पिछले 24 घंटों की करें तो राज्य में कोरोना के 58 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो गए हैं। वहीं 2 कोरोना संक्रमितों की मौत इलाज के दौरान हो गई थी। राज्य में कोरोना काल के दौरान अब तक 2,33,75,172 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। 2,64,198 संक्रमितों की पहचान अब तक हुई है और इनमें 2,61,706 संक्रमित स्वस्थ भी हो चुके हैं। वहीं 1,567 संक्रमितों की मौत भी हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 6 जिलों में जिनमें पटना, अररिया, बेगूसराय, भागलपुर, जहानाबाद, रोहतास और समस्तीपुर हैं, उनमें कोरोना के 10 से अधिक संक्रमितों की पहचान हुई है। गुरुवार को पटना में 54, अररिया में 50, बेगूसराय में 23, भागलपुर में 13, जहानाबाद में भी 13, रोहतास में 15 और समस्तीपुर में 14 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 33 जिलों में शेष अन्य जिलों में से 10 से कम नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। अब आपको बताते हैं कि किस दिन कितने नए संक्रमित मिले हैं। 1 मार्च को 22 पॉजिटिव मरीज मिले, 5 मार्च को 38, 10 मार्च को 44, 15 मार्च को 26, 20 मार्च को 28 और 25 मार्च को ये आंकड़ा 258 हो गया है। यानी कि कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, डबल ट्रिपल होते जा रहे हैं और बिहार में जो है वो कोरोना का जो खतरा है एक बार फिर से गहराता हुआ नजर आ रहा है। तो एक तरफ जहां वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है, लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए हैं, वहीं दूसरी ओर घबराने वाली बात है, डरने वाली बात है कि एक बार फिर से कोरोना दस्तक दे रहा है और तिगुनी रफ्तार के साथ वापसी कर रहा है। तो ज़रूरत है जब तक पूरी तरह से कोरोना समाप्त ना हो या फिर चीज़ें नॉर्मल ना हो जाए तब तक आप सावधानी बरतें, सतर्कता बरतें। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।